ऑलराइट, तो जवान का ट्रेलर आ चुका है और एक चीज़ है कि जब मैं विलन बनता हूँ ना, तब विजय सेतुपति ने कहा विलन। और एक चीज़ है कि इस ट्रेलर में जो चीज़ मुझे कॉन्फ्यूज किया, ट्रेलर तो अच्छा ही है, बहुत ही अच्छे तरह से कट किया है, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि इस ट्रेलर को देखकर अभी तक स्टोरी का मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं कि हम लोग पाए हैं कि रिवेंज ड्रामा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टोरी क्या क्या होने वाला है। बस यही चाहिए था, ट्रेलर को ऐसे कट किया है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और लास्ट में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लुक्स है, एक में पहली जैसा सिर्फ मूछे है जिस जो कैरेक्टर दीपिका के अगेंस्ट में है, तो नयनतारा का जो है वो तो एकदम क्लीन शेप्ड है, और उसके बाद एक टकला एसआरके है। ये सब कुछ मिला के मतलब हम लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बाप बेटा का एक एंगल तो है ही, रिवेंज ड्रामा है, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि विजय सेतुपति पास्ट में कुछ किया है, क्योंकि विजय सेतुपति का जो लुक है उसका भी एक ओल्ड वर्जन का लुक है इस मूवी में। तो फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसे मैंने पहले भी कहा है तो वो तो करेंगे ही करेंगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये ऐसे मतलब मसाला एक्शन मूवी एसआरके का अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। मतलब एक्शन मूवी तो किया है, लेकिन इतना मसालादार एक्शन एसआरके कभी किया ही नहीं है। तो मुझे इस अवतार में एसआरके को देखना तो है ही, और वैसे बाकी जो सॉन्ग्स है उसमें एक ग्लिम्प्स दिखाया गया है कि दीपिका पादुकोण के साथ भी एक सॉन्ग्स है, उसी ट्रेलर में एक छोटा सा झलक है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है। और तो सिर्फ 6 दिन है, तो ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। तो चलो, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये है कि लाजवाब है। और हाँ, और एक चीज़ है कि गाना आया था जो रमैया बसा भैया जो गाना है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले जब मैं सुना था तो ठीक ठाक लगा, लेकिन उसके बाद लूप में मैं बार बार सुनते सुनते मुझे अब इतना अच्छा लगा कि मतलब सुबह होते ही वो गाना मैं मैंने चला के डांस भी कर रहा हूँ। ठीक है, और चलिया तो अच्छा है ही। जिंदा बंदा जो है वो थोड़ा सा एवरेज मुझे लगा था, लेकिन वो भी चलेगा। विशाल अगर मतलब ददलानी इसमें गाया है, अगर वो भी गाया होता तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अच्छा होता। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर, और चलो देखते हैं फिल्म कैसे है। होप सो कि ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। चलो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलो मिलते हैं।